नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी देंगे। अगर यह जानकारी आपको पहले से ही पता है तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति भवन की कीमत आज कितनी है? दरअसल भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। भारत के राष्ट्रपति का निवास राष्ट्रपति भवन कहलाता है, जिसमें 340 कमरे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान दुनिया में दूसरा सबसे अधिक महंगा निवास स्थान है और वर्तमान में इसकी मार्केट वैल्यू 3511 करोड़ रुपए है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति भवन और अमेरिका के व्हाइट हाउस की तुलना करने पर पता चलता है कि कीमत के हिसाब से भारत के राष्ट्रपति भवन की कीमत व्हाइट हाउस से लगभग 14 गुना अधिक है। यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन की तुलना में व्हाइट हाउस लगभग 4 गुना ज़्यादा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति भवन के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ सकते हैं? दरअसल राष्ट्रपति भवन देश के राष्ट्रपति का सरकारी आवास होता है। राष्ट्रपति भवन के ऊपर किसी भी तरह के विमान को उड़ाने की मनाही होती है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन को उड़ान निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। उड़ान निषिद्ध क्षेत्र ऐसी जगह होती है जहां पर किसी भी तरह के विमानों की उड़ान प्रतिबंधित होती है। सामान्यतः ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, जैसे क्षेत्र विशेष की सुरक्षा, इमारत विशेष की सुरक्षा और उस क्षेत्र और इमारत में रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा। दरअसल ऐसे क्षेत्र मुख्यतः सेना, सरकारी या प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उड़ान निषिद्ध क्षेत्र में नियम के विरुद्ध विमान उड़ाने पर विमान को मार गिराया जाता है। दरअसल राष्ट्रपति भवन के अतिरिक्त भारत में ताजमहल, संसद भवन, तिरुपति तिरुमला मंदिर, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर तथा सेना से जुड़े प्रतिष्ठित स्थान आदि भी उड़ान निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संसद सत्र के एक मिनट में कितना खर्च आता है? दरअसल एक वर्ष में संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं। पहला फरवरी से मई तक, जिसको कि बजट सत्र कहा जाता है, यह विभिन्न चरणों में आयोजित होता है। दूसरा जुलाई से अगस्त के महीने में, जिसे कि मानसून सत्र कहा जाता है, और तीसरा शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर दिसंबर के महीने में संचालित होता है। दरअसल साल में संसद का 6 से 7 महीने का कार्यकाल होता है, जिसमें कि अवकाशों और स्थगित कार्रवाई को निकाल दिया जाए तो 60 से 70 दिन की कार्रवाई चल पाती है। संसद के सत्रों को आयोजित करने और संचालित करने में एक अच्छी खासी रकम खर्च होती है। अगर आंकड़ों की माने तो संसद सत्र एक मिनट का खर्च करीब 2.5 लाख रुपये आता है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद भवन में उल्टे पंखे क्यों लगे हैं? दरअसल पंखे उल्टे लगे होने के पीछे विशेषज्ञ मानते हैं कि यह शुरू से ही इसी तरह के लगे हुए हैं। ऐसे में सालों से संसद भवन की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए इसके साथ कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसके चलते यह आज भी उल्टे ही लगे हुए हैं। दरअसल जब यह संसद बनी थी तब इसके गुम्बद बहुत ही ऊँचा बनाया गया था। उस सेंट्रल हॉल का गुम्बद पूरे संसद का मेन पॉइंट है। उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत बहुत ही ऊंची होने के कारण सीलिंग फैन लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और तब डंडे के जरिए पंखे लगाने की बात आई तो ऐसा नहीं हो सका। बहुत ज़्यादा बड़ा डंडा लगाना भी किसी को सही नहीं लग रहा था, इसलिए फिर सेंटर हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखकर अलग से खंभे लगाए गए और उन पर उल्टे पंखे लगाए गए थे। ऐसा करने पर संसद के चारों ओर कोने तक हवा अच्छी खासी पहुंच जाती है, और हालांकि वहां एसी लगाने की बात हुई लेकिन उल्टे पंखे को ऐतिहासिकता के तौर पर रखने की सहमति भी जताई गई थी। यही कारण है कि संसद भवन में उल्टे पंखे लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति भवन पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा क्यों नहीं फहराया जाता है? दरअसल इसका कारण यह है कि देश के विभाजन के बाद रायसीना हिल पर 21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन का कब्जा था। अब किसी अंग्रेज अधिकारी के घर पर तो भारत का झंडा फहरा नहीं सकते थे, इसलिए नेहरू ने लाल किले पर 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त को झंडा फहराकर स्वतंत्रता का उद्घोषण कर दिया था, क्योंकि तब दिल्ली में रायसीना हिल और लाल किला दो महत्वपूर्ण और नामचीन इमारत थी। लाल किले पर भी 1857 से 1947 तक अंग्रेजों का अधिकार था। देश छोड़ने के साथ ही यह अधिकार भी समाप्त हो गया था। लाल किला इंडो इस्लामिक शैली में बनी एक इमारत है, जो नेहरू गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता सिद्धांत को पुख्ता भी करती है। तभी से रायसीना हिल पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा न फहराकर लाल किले पर झंडा फहराने का प्रचलन है। साथ ही साथ इस दिन राष्ट्रपति और उसके सभी स्टाफ लाल किले पर उपस्थित होते हैं। अब तक इस रिवाज से छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रपति भवन के शिखर पर भारत का झंडा हमेशा लगा रहता है। इसका मतलब यह है कि जरूर यहाँ पर
ध्वजारोहण होता होगा, लेकिन इसे मीडिया में नहीं लाया जाता क्योंकि सारी मीडिया लाल किले के कवरेज में व्यस्त रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति भवन में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा क्यों लगी है, किसी और देवी देवता की क्यों नहीं लगी? दरअसल इसका एकमात्र कारण यह है कि महामानव गौतम बुद्ध को पूरा विश्व महत्व देता है और उनकी शिक्षाओं को अच्छी तरह से समझता है, जबकि हिंदू देवी देवताओं को विश्व उतना महत्व नहीं देता और उन्हें मजहबवाद से जोड़कर देखा जाता है, जबकि बुद्ध के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने केवल मानव धर्म की स्थापना की थी, किसी देवी देवता की नहीं। यही कारण है कि राष्ट्रपति भवन में बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? दरअसल राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे, 74 बरामदे, 37 सभागृह, करीब 2.5 किलोमीटर का गलियारा, 18 सीढ़ियां और 37 फुहारे हैं। राष्ट्रपति भवन दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है और इसे इसकी खूबसूरती वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन 330 एकड़ में फैला हुआ है। इस विशाल इमारत की डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार की थी। आपके द्वारा पूछा जाने वाला 8वां और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य क्या है? नंबर 1, राष्ट्रपति भवन जो राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है, इटली के रोम स्थित क्यूनल पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। नंबर 2, इसे तैयार होने में पूरे 17 वर्षों का समय लगा था। इसका निर्माण कार्य 1912 में शुरू हुआ था और 1929 में यह बनकर तैयार भी हुआ था। इसके निर्माण में करीब 29,000 लोग लगाए गए थे। नंबर 3, इसमें राष्ट्रपति कार्यालय, अतिथि कक्ष और कर्मचारी कक्ष समेत 300 से भी अधिक कमरे हैं। नंबर 4, इसमें 750 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 245 राष्ट्रपति के सचिवालय में कार्यरत है। नंबर 5, इसे 700 मिलियन ईंटों और 3 मिलियन घन फीट पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। नंबर 6, इसे रायसीना हिल पर बनाया गया है, जिसे रायसीना और मालचा दो गांवों के नाम पर जाना जाता था और इस महल के निर्माण के लिए इन गांवों को हटा दिया गया था। इसका निर्माण वास्तुकार सर एडविन लेडसिन लुटियन ने किया था। नंबर 7, स्वतंत्रता से पहले इसे वायसरे हाउस के नाम से जाना जाता था और यह भारत का सबसे बड़ा निवास स्थान है। नंबर 8, प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में राष्ट्रपति भवन के पीछे बने मुगल गार्डन को उद्यान उत्सव के लिए खोला जाता है। नंबर 9, राष्ट्रपति भवन के उपहार संग्रहालय में किंग जॉन पंचम की चांदी की 640 किलोग्राम की कुर्सी रखी हुई है। इस कुर्सी पर दिल्ली दरबार में वह 1911 में बैठे थे। नंबर 10, प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर 30 मिनट तक चलने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है और यह जनता के लिए भी खुला होता है। यदि राष्ट्रपति भवन में इस समारोह को देखने के लिए सिर्फ आपको अपना फोटो पहचान पत्र ले आना होता है और दिखाना भी होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दी है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।